हेलो दोस्तों, आज हम आपको बीआर चोपड़ा सर के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कैरियर के बारे में बताएंगे। बीआर चोपड़ा ने 1951 में आई मूवी अफसाना से अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड कास्ट में अशोक कुमार, बीना, प्राण शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी सेमी हिट रही। 1953 में बीआर चोपड़ा की मूवी आई शोले। इस मूवी के लीड कास्ट में अशोक कुमार, बीना रॉय, जीवन और मनमोहन कृष्णा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1954 में बीआर चोपड़ा की मूवी आई चांदनी चौक। इस मूवी के लीड कास्ट में मीना कुमारी, शिखर और जीवन शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी सेमी हिट रही। 1956 में बीआर चोपड़ा की मूवी आई एक ही रास्ता। इस मूवी के लीड कास्ट में मीना कुमारी, अशोक कुमार और सुनील दत्त शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1957 में बीआर चोपड़ा की मूवी आई नया दौर। इस मूवी के लीड कास्ट में दिलीप कुमार, वैजयंती माला और अजीत शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 1958 में बीआर चोपड़ा की मूवी आई साधना। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील दत्त, वैजयंती माला, उमा दत्त और राधा कृष्णा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1959 में इनके छोटे भाई यश चोपड़ा की मूवी आई धूल का फूल। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बी आर चोपड़ा। इस मूवी के लीड कास्ट में माला सिन्हा, राजेंद्र कुमार, नंदा और अशोक कुमार शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1960 में बीआर चोपड़ा की मूवी आई कानून। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेंद्र कुमार, अशोक कुमार, नंदा और महमूद शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी सेमी हिट रही। 1961 में यश चोपड़ा की मूवी आई धर्मपुत्र। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बीआर चोपड़ा। इस मूवी के लीड कास्ट में शशि कपूर, माला सिन्हा, रहमान और निरूपा रॉय शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी सुपरहिट रही। 1963 में बीआर चोपड़ा की मूवी आई गुमराह। इस मूवी के लीड कास्ट में अशोक कुमार, सुनील दत्त, माला सिन्हा और निरूपा रॉय शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1965 में यश चोपड़ा की मूवी आई वक्त। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बी आर चोपड़ा। इस मूवी के लीड कास्ट में राजकुमार, बलराज सैनी, साधना, सुनील दत्त, शशि कपूर और शर्मिला टैगोर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 1967 में बीआर चोपड़ा की मूवी आई हमराज। इस मूवी के लीड कास्ट में राजकुमार, सुनील दत्त, मुमताज और सारिका शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी सुपरहिट रही। 1969 में यश चोपड़ा की मूवी आई इंतफाक। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बी आर चोपड़ा। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेश खन्ना, नंदा और बिंदु शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी सेमी हिट रही। 1970 में यश चोपड़ा की मूवी आई आदमी और इंसान। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बी आर चोपड़ा। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, सायरा बानो, फिरोज खान और मुमताज शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1972 में बी आर चोपड़ा की मूवी आई दास्तान। इस मूवी के लीड कास्ट में दिलीप कुमार, शर्मिला टैगोर, प्रेम चोपड़ा और बिंदु शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1973 में बी आर चोपड़ा की मूवी आई ढूंढ। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय खान, जीनत अमान, डैनी और मदनपुरी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1975 में इनके बेटे रवि चोपड़ा की मूवी आई जमीर। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बी आर चोपड़ा। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, सायरा बानो, शम्मी कपूर, विनोद खन्ना और मदनपुरी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1976 में डायरेक्टर बासु चटर्जी की मूवी आई छोटी सी बात।
इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बी आर चोपड़ा। इस मूवी के लीड कास्ट में अनमोल पालिका, विद्या सेना, सुख कुमार, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1977 में बी आर चोपड़ा की मूवी आई कर्म। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेश खन्ना, विद्या सेना, शबाना आजमी और असरानी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1978 में बी आर चोपड़ा की मूवी आई पति पत्नी और वो। इस मूवी के लीड कास्ट में संजीव कुमार, विद्या सेना और रंजीता शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1980 में रवि चोपड़ा की मूवी आई द बर्निंग ट्रेन। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बी आर चोपड़ा। इस मूवी के लीड कास्ट में विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जितेंद्र, परवीन बॉबी और डेनी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बिलो एवरेज रही। इसी साल बी आर चोपड़ा की मूवी आई इंसाफ का तराजू। इस मूवी के लीड कास्ट में राज बब्बर, जीनत अमान, पद्मनी कोल्हापुरी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1981 में डायरेक्टर कमल मजूमदार की मूवी आई अग्नि परीक्षा। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बी आर चोपड़ा। इस मूवी के लीड कास्ट में अमोल पालिकर, उत्पल दत्त और दिनेश ठाकुर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बिलो एवरेज रही। 1982 में बी आर चोपड़ा की मूवी आई निगाह। इस मूवी के लीड कास्ट में राज बब्बर, दीपक पराशर, सलमा आगा, गुलाम अली शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,80,00,000 रहा। भारत में कमाई 4,50,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 9,00,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 1983 में रवि चोपड़ा की मूवी आई मजदूर। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बी आर चोपड़ा। इस मूवी के लीड कास्ट में दिलीप कुमार, नंदा, राज बब्बर, रति अग्निहोत्री और पद्मिनी कोल्हापुरी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1984 में रवि चोपड़ा की मूवी आई आज की आवाज़। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बी आर चोपड़ा। इस मूवी के लीड कास्ट में राज बब्बर, समिता पटेल, नाना पाटेकर और ओम शिवपुरी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1985 में बी आर चोपड़ा की मूवी आई तवायव। इस मूवी के लीड कास्ट में ऋषि कपूर, रति अग्निहोत्री, पूनम ढिल्लों शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1986 में डायरेक्टर बासु चटर्जी की मूवी आई किराएदार। इस मूवी के प्रोड्यूसर बी आर चोपड़ा थे। इस मूवी के लीड कास्ट में राज बब्बर, मधुबनी कोल्हापुरी, उत्पल दत्त शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल रवि चोपड़ा की मूवी आई दहलीज। इस मूवी के प्रोड्यूसर बी आर चोपड़ा थे। इस मूवी के लीड कास्ट में जैकी सराफ, मीनाक्षी, राज बब्बर और समिता पटेल शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी डिजास्टर रही। 1987 में बी आर चोपड़ा की मूवी आई अवाम। इस मूवी के लीड कास्ट में नाना पाटेकर, राजेश खन्ना, अशोक कुमार, राज बब्बर और समिता पटेल शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1991 में रवि चोपड़ा की मूवी आई प्रतिज्ञाबद्ध। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बी आर चोपड़ा। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, कुमार गौरव, नीलम कोठारी और सुनील दत्त शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1992 में रवि चोपड़ा की मूवी आई कल की आवाज़। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बी आर चोपड़ा। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, अमृता सिंह और राज बब्बर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 2003 में रवि चोपड़ा की मूवी आई बागवान। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बी आर चोपड़ा। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, सलमान खान, महिमा चौधरी और अमन वर्मा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 2006 में रवि चोपड़ा की मूवी आई बाबुल। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बी आर चोपड़ा। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, सलमान खान, जॉन अब्राहम, रानी मुखर्जी, हेमा मालिनी और ओम पुरी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही।
2008 में डायरेक्टर विवेक शर्मा की मूवी आई भूतनाथ। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बीआर चोपड़ा। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, जूही चावला, शाहरुख खान और राजपाल यादव शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। और यही अब तक की बीआर चोपड़ा की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी रही है। दोस्तों, आपको बीआर चोपड़ा सर का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्लीज़ दोस्तों, थैंक यू।